सो बिग बॉस 5 फेम पूजा मिश्रा ने हाल ही में फेमस बॉलीवुड एक्टर डॉक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पूरी फैमिली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, जहाँ पूजा ने कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी फैमिली ने पूजा के साथ सेक्स स्कैम शुरू किया है। साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी बताया है कि उनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हैं और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की कई बार करोड़ों की मदद भी की है, लेकिन सिन्हा परिवार उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। वहीं पूजा की इन बातों पर शत्रुघ्न के बेटे दैट इज लव एस सिन्हा ने रिएक्ट किया है, फाइनली रिएक्ट किया है। उन्होंने पूजा के सभी आरोपों को खारिज किया है और उन्हें अनस्टेबल बताया है। सो क्या है पूरी बात और क्या क्या स्टेटमेंट्स बाहर आए हैं, ये सब जानने से पहले और डिटेल्स में जाने से पहले, नमस्कार, मैं हूं रेशम राम, देख रही हैं डीएनपी इंडिया। फर्स्टली वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर ले। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस, ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। जहाँ पूजा मिश्रा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इन लोगों के क्राइम अलग लेवल पर हिट करने लगे हैं, जब से ये उसी घर में मुझे लेकर स्कैम चलाने लगे, ये लोग मुझे बेहोशी की हालत में ट्रेड करने लगे, इन लोगों ने मेरी वर्जिनिटी बेचकर पैसे बनाए हैं, इन्होंने मेरे बदले सोनाक्षी सिन्हा को स्टार बनाया है, वो तो फैशन डिजाइनर बनने वाली थी, फिर अचानक बॉलीवुड में कहां से आ गई। जहाँ पूजा ने आगे ये भी कहा है कि क्या आपको पता है कि जब मैं दिल्ली में शूटिंग कर रही थी उस वक्त कई मौकों पर शत्रुघ्न सिन्हा ने मुझे ड्रग्स खिलाए और मेरा फायदा उठाया, ये बात मुझे तब पता चली जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे पूरा रिकॉल कराया कि किसने मेरे साथ बदसलूकी की है, किसने मुझे हैरेस किया है, मोलेस्ट किया है। उस समय मुझे क्लियरली शत्रुघ्न सिन्हा दिखे, जो मैंने झेला है वो मेरे दुश्मनों को भी ना झेलना पड़े। एंड दैट वॉज द स्टेटमेंट ऑफ पूजा मिश्रा। वहीं अब पूजा मिश्रा के आरोपों पर लव सिन्हा ने कहा है कि उस महिला को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। एक परिवार के ऊपर ऐसे आरोप लगाना ये साबित करता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं सामान्य तौर पर इंटरनेट पर पब्लिश हुए कूड़े पर रिएक्ट नहीं करता हूँ, नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी खबर लाने वाले एडिटर गैर जिम्मेदार हैं। लव सिन्हा ने एक अन्य ट्वीट करते हुए लिखा है कि आखिर ऐसी स्टोरी को अप्रूव करने वाले को समझना चाहिए कि ऐसे आरोपों पर कानूनी कार्रवाई की जाने की जरूरत है, क्योंकि यह स्टोरी बिल्कुल झूठी है, सब मजाक है। जहां पूजा मिश्रा का आरोप है कि शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार के कारण उनके हाथ से 35 से ज्यादा फिल्में निकल गईं। जहां मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी पूजा मिश्रा ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर भी रेप और हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। हालांकि अब वह इन आरोपों को नकार तो चुकी हैं, बट क्या अब ऐसा हो सकता है कि उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा पर भी जो इल्जाम लगाए हैं, उनकी फैमिली पे जो इल्जाम लगाए हैं, थोड़े दिन बाद वो उससे भी स्टेप बैक हो जाएं? वेल, दैट ओनली टाइम कैन टेल। आपको, आपने दोनों साइड सुनी, आपको क्या लगता है कि इस पूरी सिचुएशन पर कौन सही है? डू लेट अस नो योर टेक एंड इनसाइट्स इन द कमेंट डाउन बिलो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेगमेंट। अगर आपको हमारा अच्छा कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।